और बाबू तुम बहुत अच्छे हो। बट तुमसे ज्यादा नहीं बेबी। नहीं सीरियसली यू आर सो स्वीट। अगर मक्खन लगाने का इतना ही शौक है ना, जाके अपने वो खड़ूस भाई को लगा। अबे इतना स्ट्रिक्ट कौन होता है यार। नहीं सीरियसली यू आर सो स्वीट। अभी भाई की बातें मत करो। आई मिस यू। काश तुम मेरे पास होते। अगर तेरा वो खड़ूस सा भाई घर पर नहीं होता ना, पाक, तो कब का आ जाता तुम्हारे पास। हिम्मत है तो आ जाओ। देख ले, पक्का आ जाऊंगा तेरे घर पे। समीक्षा, किससे बात कर रहे हो? भाई, आप कब आए? काम कर रहे हो? जिससे भी तुम बात कर रही थी ना, उसको आने दे। उसको वार्न मत कर, उसको रोकना मत। बट भाई, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो मैंने ऐसा कुछ भी कहाँ सोचा? हाँ, मुझसे ज्यादा क्वेश्चन मत करो, ठीक है समी? जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, ठीक है समी? ओके, आने दो उसको। हाँ, फोन दो। दो क्या करूं, अमर भी रास्ते में ही होगा। आज तो भाई अमर को नहीं छोड़ेंगे यार, क्या करूं। We are young, we feel everything, yeah, it's starting to begin. हाय बेबी। हाय। क्या हुआ, इतना डर क्यों रही है? भूत देख लिया क्या तूने? क्या हुआ, तू तो ऐसे बिहेव करी जैसे भाई तेरा घर पे है। आओ ना अंदर, अंदर। अरे कहाँ भाग रहे हो? आना। Get over here! आओ। अरे यहाँ जाओ। समीर तुम बाहर जाओ। पर भैया। तुम बाहर जाओ। समीर, दरवाजा बंद कर देना, कुंडी लगा देना, लॉक कर देना उसको। बैठ जाओ, बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए आप, बैठ जाइए आराम से। नाम क्या है तेरा? हाँ, नाम क्या है? हमारे सर। हाँ? I mean, भैया। हाँ, करते क्या हो? जी मैं हंसता हूँ, रुलाता हूँ, मारता हूँ और मार खाता हूँ। हाँ? क्या? अबे मुंह खोल के बोलना, अंदर ही बोल जाएगा। एक्टर हूँ भैया, एक्टर एक्टर। ओ, तो फिर तुम उजरा भी करता होगा है ना?
मुजरा? नहीं भैया मुजरा तो नहीं करता, लेकिन अगर आप बोलोगे तो थोड़ा सा कर। ए, 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 ये सब नहीं, घर पे कौन कौन रहता तेरे? जी मैं रहता हूँ और छोटा सा एक तोता पाल रखा है। तोता? तोता? तो तेरे मम्मी पापा नहीं 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 अंतरिक्ष में नहीं है। अबे अरे नहीं नहीं भैया जिंदा है, जिंदा है मेरे माँ पापा भी भैया। वो एक्चुअली वो दिल्ली में रहते हैं ना, मैं यहाँ मुंबई में अकेला स्ट्रगल कर रहा हूँ एक्टिंग के लिए। अच्छा तो तू समी को कब से जानता है? समी को 9 महीने से। 9 महीने से। कहाँ पर मिला? विंडर ऐप पर। कौन से? नहीं विंडर ऐप पर मेला नहीं था, विंडर ऐप पर मैं था और मुझे कोई ढंग की लड़की नहीं मिली थी उस पर। तो फिर एक दिन समीक्षा को मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में मिला। पार्टी और समी? सुन ले समी, कोई भी पार्टी वार्टी में नहीं जाती है, समझा तू? आपको क्या पता पार्टी में क्या क्या करती फिर है। फिर से तेरे होंठ कुछ लपलपा रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहा है ना, उगलना चाह रहा ना मुख के अंदर से, निकालना, बोलना, मुंह खोलना। नहीं भैया आप रहने दीजिए ऐसा कुछ नहीं। और वैसे भी जो तू मेरी बहन के साथ हैंकी पैंकी वाली बातें कर रहा था ना, वो सारी बातें मैंने फोन पर सुन ली है। मैंने तुझ जैसे लोगों को अच्छे से जाना। लेकिन तू अगर सोच रहा है कि तू कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ उसके साथ करने की कोशिश करेगा, तो मैं ना तेरे सारे पुर्जे, तेरा दिल, तेरा दिमाग, सब कुछ ना तेरा ऐसे नोच लूंगा, समझा तू? नहीं भैया पता नहीं मैं अपनी बहन से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। समी, समी, जी भैया, उठ, उठ, निकाल, चल, उठ, चल निकल, निकल। सुन बे, सुन। अगर तू आज के बाद समी के आस पास भी तू फटका ना, तो तू समझ रहा है ना मेरा गुस्सा होगा और तेरा चल निकल। भैया आप ऐसे कैसे अमर से बात कर रहे थे? समी, अमर एक नंबर का छिछोरा लड़का है, फालतू आदमी है वो, कभी ना है अंदर से। आप एक ही मीटिंग में ऐसे कैसे किसी को जज कर सकते हैं? तुम वो गलती फिर से दोबारा दोहराना चाह रही हो क्या? अमर राहुल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे समी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम मुझे सिखाओगी कि कौन किसके जैसा नहीं है? तुमसे मैं बड़ा हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे सिखा रही हो समी। आज रक्षाबंधन है, तू अपने भाई को राखी बांध रहे हो, तू खुश नहीं है क्या? हुआ कुछ तो हुआ है। भाई मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो गिफ्ट, सॉरी बहना मैं गिफ्ट लाने भूल गया। अरे सीरियस भाई, पहले तो आपने अमर की इतनी बेइज्जती कर दी, ऊपर से आज रक्षाबंधन वाले दिन आप मेरा गिफ्ट लाना भूल गए। यू आर वेरी बैड। अच्छा तू एक काम कर, तू ना अपनी आंखें बंद कर, बंद कर ना। समी अपनी आंखें खोलो। अमर भैया तुम्हारा गिफ्ट रक्षाबंधन गिफ्ट। गिफ्ट और क्या, यही तो रक्षाबंधन गिफ्ट है। तुझे पता है उस दिन मैं अमर के साथ 4 से 5 घंटे तक बैठा रहा,
इसको जानने की पूरी कोशिश की, इसका नंबर भी लिया और हर जगह से जहां जहां से मुझे जानकारी मिल सकती थी मैंने इस पर चेक किया। पता है तूने सही लड़का ढूंढा है, और सबसे बड़ी खुशी की हैरानी की बात तेरे लिए ये होगी कि अपने गांव से है वो जो विंद्रा अंकल नहीं है जिनका अमरूद का बगीचा था, याद है तू छोटी सी थी। मुझे पता नहीं आज इतनी खुशी हो रही है कि तूने आज से सही, वो राहुल ना बहुत ही घटिया इंसान था, राहुल जैसा बिल्कुल भी नहीं। मेरी बहन ही सब आगे तुम हो, और अगर तुमने भविष्य में कभी भी मेरी बहन को दुखी करने की कोशिश की तो पता है ना मुझे मुक्का तुम्हारे कहाँ पे पड़ेगा। तो गाइज आपने देखा कि भाई हमेशा बुरे नहीं होते, सिर्फ प्रोडक्टिव होते हैं, और आपने देखा कि हर लड़का भी बुरा नहीं होता है। ये बताओ तुमको गिफ्ट कैसा लगा रक्षाबंधन के? बहुत अच्छा लगा। ये देखो ये आगे उछलते हैं बंदरों की तरह। ऐसा नहीं, क्या होता है कि लौंडे अच्छे ही होते हैं। भैया आपका गुस्सा हमेशा याद रहेगा। वैसे बहुत डिफरेंट वीडियो था ना गाइस, अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने भाई और बहनों के साथ शेयर करो यार, कमेंट करो, और वो घंटा यस बजाओ मेरे लिए मुक्का हैं, किसका मुक्का और किसका मुंह समझ लो। सो हैप्पी राखी टू एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन।